अब ये किसान आंदोलन ना होगा जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। किसी भी स्टेट में जाओ, अभी मोदी जी उसमें गए थे मध्य प्रदेश में, तो वहाँ किसी किसान से पूछा, अब जी क्या आप चौधरी साहब को जानते हैं? तो कह दो, कहला नहीं जी। कहला भाई वो जो दिल्ली धरना चल रहा है बॉर्डरों पर, उसके बारे में आप भी क्या राय है? कहले वो तो सही है, धरना सही चल रहा है, जो किसानों में बैठा है वो कानून गलत है, वापिस होनी चाहिए और MSP मिलनी चाहिए। तो जो हमारे चौधरी साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे प्रदेशों में जा रहे दौरा कर रहे हैं, उनका मिशन था आम जन को जागृत करना। तो हमारा मिशन जो है धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। किसान तो कहते करोना है नहीं, आपने तो मास्क लगा रखा। ऐसा था, परसों प्रेस वाले आए थे चौधरी साहब से पूछ रहे थे भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, तो हमारे चौधरी साहब ने कहा हमको जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे भाई, अगर ये कह रहे हैं मास्क लगाओ दूरी बनाओ। जब कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने वो तो माने नहीं आपने, वो जब बड़ा मानना नहीं, जब किसान के हित में नहीं तो मानने क्या, ये हित में है क्या चीज़ ये मास्क लगाना भाई। एक बात बताओ, आप रात दिन हर किसान से आके पूछो कोरोना 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 थोड़ी है अभी दिल्ली में, कोरोना तो बंगाल में है। हम सरकार को ढूंढ रहे 5 महीने से मिली नहीं, वो सरकार बैठी बंगाल में, सरकार दिल्ली आ जाएगी 3 तारीख तक। मतलब अपना हित और किसान का हित कैसे पहचान करो, सुन तो लो, 3 तारीख में कोरोना दिल्ली आ जाएगा, उसके बाद जो हमारी भारत सरकार है वो कोरोना पे काम स्टार्ट कर देगी, कहाँ बढ़वाना है कहाँ कटवाना है किन्हें अंदर करना है किसे ठाना है इन किसानों को कैसे ठाया जाए। किसान का एक सूत्रीय कार्यक्रम है कोरोना के बहाने इन्हें आंदोलन को उठाना, पर डर लग रहा है उठा सकती है सरकार? नहीं नहीं, किसान डरने वाली तो किसान बहादुर को, मेरे किसान के बच्चे बॉर्डरों पर लड़ते हैं मरने से नहीं डरते, हमारे बेटे पुलिस में हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, हम कहाँ डर रहे हैं। तो आपके नेता क्यों कह रहे हैं बार बार कि शाहीन बाग ना समझे इसे सरकार? उनका ये कहना है किसानों पर अनावश्यक दबाव ना बना जाए, ये शांति प्रिय कौम है बहादुर कौम है। रहा पीछे इन्होंने बदनाम किया गया 26 जनवरी में, वो PV संधू था, हमारे राष्ट्रीय टिकैत का आह्वान था 11 बजे और 9:30 बजे 8:30 बजे झंडा फहरा दिया गया। तो ये सब भाजपा की अमित शाह की बनी बनाई चाल थे भाई, सनी देओल का वो गार्ड रहा, वो कैसे पहुंच गया जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, और हमारे टिकैत साहब को बदनाम किया गया, किसान यूनियन को बहुत छवि खराब हुई, बड़ा तकलीफ हुई। जो 28 तारीख में हमारे टिकैत साहब को आशा है वो सब बर्दाश्त नहीं कर सके, जब उन्हें कहा भाई देशद्रोही है किसान, ऐसा नहीं है, हम मर सकते हैं देश के सम्मान के लिए चीज कटा सकते हैं। मानते देश में महामारी फैल रही है? महामारी फैल रही है, मानते इस बात को नहीं मानते? नहीं नहीं अभी तो आई नहीं, आ जाएगी 3 तारीख के बाद आ जाएगी। दिल्ली में तो लॉकडाउन लग गया, बड़े बुरे हाल नहीं तो ये भाई इनका शासन है, कुछ भी कर सकते हैं ये। जब आतंकवादी पाकिस्तानी खालिस्तानी जीवी परजीवी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में तो केजरीवाल है ना? हाँ जी, केजरीवाल जी ने रखा जी, केजरीवाल तो बेचारा मोहरा है, उसके हाथ में क्या सरकार है उसकी, खाली पावर तो केंद्र के हाथ में, उसे राइट कुछ भी नहीं, क्या अधिकार है बताइए आप लोग, आप मीडिया में बैठे अपने आत्मा को टटोल के बताइए। 3 तारीख के बाद में कोरोना आ जाएगा। आज लॉकडाउन का अनाउंस तो केजरीवाल ने किया आज भाई, बात तो मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकता है भाई, हमारे जो राष्ट्रीय टिकैत का आह्वान है यूपी में लगने की खबरें आने लॉकडाउन, कितना असर पड़ेगा इस आदमी भाई। हम तो कल भाई मेरठ गए थे, एक बच्चे का इंटरव्यू था, उसकी रिपोर्ट रुक गई थी मेडिकल में, पूरे मेरठ में गए, हमें तो किसी ने रोका नहीं ना पुलिस ने किसी ने, और सीधे अंदर ही पड़े उस विभाग मेडिकल में जो आपके यहाँ जाँच हो उसी में गए। अगर सरकार आपसे रिक्वेस्ट करे कि छोड़ कर जाइए आंदोलन, देश में कोरोना फैल रहा है, आपकी सेफ्टी के लिए आपकी सेहत के लिए, तो क्या जाओगे यहाँ से? नहीं, बात तो बताइए भाई, हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? हमारी तो कोई मांग नहीं है, सरकार हम पे कानून थोप रही जबरदस्त है, ये वापस ले लो, हमारी कोई सरकार से लड़ाई थोड़ी है, हमारी तो ना मोदी जी से लड़ाई है, हमारे टिकैत जी ने कहा हमने मोदी जी को वोट दी, हमारी मोदी जी से दुश्मनी नहीं है ना भाजपा से, मोदी सरकार की नीतियों से हमारी लड़ाई है, वे तीनों कानून वापस कर दो, हमें इस कानून को दर्द दे, हम अपने घर चले जाएंगे भाई, हम अपने बच्चों को छोड़ के बॉर्डर पड़े कर देना सरकार ने, कि कानून तो सुनो नहीं। भाई एक बात तो बताओ, ये ना कानून वापस कर रहे तो हम भी ना जा रहे, कोरोना से बड़ी बीमारी हमारी अगली पीढ़ी की है, जो हमारे अगले बच्चों को भविष्य बर्बाद होना जा रहा, उससे हम मरना बेहतर समझो। बातचीत भी नहीं हो रही सरकार से, आपको बातचीत भी बंद पड़ी ना हो रही, तो हम क्या कर रहे हैं? इन्होंने आदेश कर दिया 8 दिन में उठाओगे, ये कुछ आदेश कर दो, जो हमारे ठीक है साहब का होने का वो माना जाएगा। ताऊ जी, अभी आपने एक बात कही थी कि हमारे लिए कोरोना से बड़ी बीमारी तीनों किसान कानून है। हाँ जी, यही शब्द बोले थे दिल्ली में शाहीन बाग के मुस्लिम आंदोलनकारियों ने। हाँ, वो कह रहे थे कि सबसे बड़ी बीमारी हमारी ये CNRC है। हाँ, हम जब ये हटवा के जाएंगे, वो भी चल हट गए थे। देखो जब बात सुनो, किसान वो बहादुर कौम है,
पिछले साल कोरोना आ गया था जो आप लोगों ने बताया, ये वो बहादुर गाँव में कोरोना में एक यही किसान बिरादरी जो खड़ी हुई थी, खेतों में अनाज काट रही थी, शहरों में अनाज बुझा रही थी, सब्जी बुझा रही थी, दूध बुझा रही थी, तब तो कोरोना नहीं था। आपकी बहादुरी को कौन कम आंक रहा? बहादुर तो आपको बता ही रहे हैं। हाँ, ना कहाँ बता रहे हैं, हमें तो खालिस्तानी पाकिस्तानी। अगर बीमारियाँ फैल जाती है कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? फिर बताइए जिम्मेदारी सरकार लो, हमारा कहना तो हमारा तो हम ये बताओ पाँच अजय एक बात बताओ, 5 महीने में हमारा कोई किसान कोरोना से नहीं मरा, ये सारे कोरोना कोरोना फला गया, सैकड़ों की डॉक्टर ने किडनी काट ली, उनकी डेड बॉडी नहीं थी, क्यों नहीं थी? नहीं तथ्य तो मिले अजय, डेड बॉडी नहीं थी क्यों नहीं थी बताओ? कोरोना से मर गया, उनकी डेड बॉडी वो किडनी काट के बेच ली गई, ये तो सारे ऊपर से नीचे तक धराल हैं, झूठ बोलते हैं, बाजीगर हैं। ताऊ जी, हाँ? जो हमारी जो देश की मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया बोली जाती है स्पेशली, जब मरकज में प्रोग्राम होता है किसी मुस्लिम का तो कहते हैं कि ये कोरोना बम है, जमात में जो लोग अपने आए हैं देश विदेश से, ये कोरोना बम है, इन्होंने मरकज में फैला दिया कोरोना, पूरे देश में फैला दिया, देश की मीडिया भी यही कहती है। लेकिन कुंभ चल रहा है पिछले 20 दिन से हमारे देश में, कहीं कुछ वो इकट्ठे हैं, लाखों लोग डुबकी लगा रहे एक साथ पानी में, वो कीटाणु फैल जाते हैं, वायरस आ जाता है, अब देश की मीडिया भी चुप है, क्या धर्म को निशाना बनाया जाता है हमारे देश में? देखो जी ऐसा है मीडिया भाइयों, बंगाल में तो 2 लाख की मीटिंग हो रही है, ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह पर मास्क है, ना अमित शाह के पे है, ना जो नड्डा चड्डा कौन है उसके पे है, और एक आम गरीब आदमी किसान लिखड़ रहा है, पुलिस आपने देखा हो, हमने मीडिया में देखा, उसके साथ में बहुत दुर्दन व्यवहार करा, गेर के गोड्डे मारे गए उनके, सब कुछ भाई इनका राज है, कुछ भी कर सकते हैं ये जोगी योगी खट्टर। अरे इन लोगों का काम था बनों में रहना, तपस्या करना, जोगी योगी राज करेंगे तो देश में क्या रहेगा? तो आपने करवाया, वोट भी तो आपने दिया। भाई एक बात तो बताओ, किसान ये चाह रहा था, ये यूँ कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, ये भोड़ी गाँव में भैग भी बहुत सके साथ, भाई बाजीगर था, इसका पता नहीं था, अकबर शायद विकास करा, पर इन्हें तो एक काम करा, सबका साथ और सबका विनाश और एक साथ, कभी बहादुर कहो कभी नहीं नहीं नहीं, सबका साथ सबका विनाश और एक साथ, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नहीं बात सुनो, देखो ये भाई भोले ना होते से वोट क्यों देते, अगर हम बहादुर भी अगर हम पढ़े लिखे होते भोले ना होते से वोट थोड़ी देते, भाई हम तो भोले भाड़े हैं, यहाँ पढ़े हैं, आप लोग कहो भाई करोना चल भैया मास्क ऊपर सरकार लिया तब चले गए काट के जम्मू तक। जो कुंभ लग रहा है हरिद्वार में, कुंभ जो है कई साल में आता है, इस बीमारी के चलते कई जो अखाड़े हैं उनके जो बड़े धर्म गुरु हैं उन्होंने कैंसिल कर दिया है अपना वो अखाड़ा और वो स्नान कैंसिल कर दिया है, तो किसान भी थोड़ा मान लेगा? नहीं कहाँ कैंसिल कर दिया, दो दो अखाड़ों ने मान लिया। अजय सुन तो लो, मान लिया, सभी आरएसएस के आदमी हैं, जो आरएसएस अब तक 10 साल पहले कच्चे नेकर पर रह रहे थे, अब हर चुनाव में वे ट्रेंड कर करके ऐसे ही बना दिए हैं, जब दिल्ली में 26 जनवरी में टंडा बाजा या खड़ी मेरी गाड़ी, वर्दी पे बैच नहीं था, गुंडा राज हुआ, 700 साढ़े 700 हमारे साथी जगबीर बता रहे हैं, इन्होंने IPS बना दिया IAS, क्या वे लोग जो हमारे क्वालिफाइड जेंटल 1000 आदमी का IAS चुन का हरा देश में, उसे उस वो जो RSS का उसके नीचे काम कर लेगा वो, ये तो IPS और IAS को बना रहे हैं, शायद आप लोग हमसे ज़्यादा पता होगा, तो फिर इस देश में संविधान कानून कहाँ रह गया? मतलब वो कहते तो हैं संघ वाले कि हम 3 मिनट में जो सीमा पे पहुँच जाएंगे तैयार होकर के, सेना है उनके पास में संघ की, कहते नहीं है क्या वो? एक बात सुनो, देखो किसान जो है अगर ये तीनों कानून वापस नहीं करते, करोना ना करोना का बाप भी आ जाओ भाई, हमें इससे जाने, हमारी लाश तो जा सके पर हम नहीं जाए।